प्यारे विद्यार्थियों, जो फोटोस्टेट बिजनेस है वो आपने कैसे स्टार्ट करना है? ऐसा है सर, जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पर पौड़ी सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं हमें सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई सही गाइड नहीं करता। अगर हमने फर्स्ट स्टेप उठा ही लिया है, अगर सोच लिया कि ये कोई भी बिजनेस है हमें वो करना ही करना है, तो हमारे मन में उसे करने की कि इतनी इच्छा होनी चाहिए कि हमने सक्सेस होना है। उसके लिए आपको सर सर्वे करना पड़ेगा। पहले आपको पूछना पड़ेगा 10-12 लोगों से कि सर हाँ इसमें क्या बचत है, सर क्या कॉस्ट पड़ रही है, पेपर कितने का है। सारी एवरेज देख के सर, सारा मेंटेनेंस देख के आप देखोगे कि नहीं कुछ नहीं बच रहा, प्रॉपर एवरेज बराबर है सर, भी हाँ 10-20 बच रहे हैं। नहीं सर, रेट के लोकेशन के हिसाब से रेट, और सर उस वे से हमें काम करना है जिस वे से सर वहाँ का एनवायरनमेंट हो। सबसे पहले हमने गाहकी बढ़ानी है। अगर हम अब इस एक जगह पर मशीन का सेटअप लगा चुके हैं, मैनेजमेंट चला रहे हैं एक दो जनों की, तो उस वे से हमें गाहकों को सर अपनी ओर खींचना है। जो कस्टमर को आम बाजार में रेट मिल रहा है वही रेट हमने फिक्स रखना है सर उनके साथ। अगर बजट में काम है तो हमें हर बंदे को सफाई और क्वालिटी से काम देना है, प्योर क्वालिटी से सर, क्योंकि सर उसमें उस बंदे को कुछ अलग फैसिलिटीज देनी चाहिए, उसे कुछ लगे। जैसे कि हमें बुकलेट बना के देनी चाहिए कस्टमर को कि जैसे 100 पेज की बुकलेट हमने फोटोस्टेट किया तो उसके ऊपर हमें बाइंडिंग फ्री देनी चाहिए सर। ऐसे सर मतलब छोटी छोटी चीज़ों से कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्यों अपना पैसा लगता है कि हमें हाफ में पेपर पकड़ के ले जाने या फिर सर एक बुक तैयार करके देनी, उससे बहुत अच्छा सर ग्राहक को फील होता है सर। एक बात और बताएं कि एक व्यक्ति ने मशीनें भी लगा दी, ठीक है, सब कुछ स्टार्ट कर लिया, तो लोकेशन उसको लग रहा था अच्छा है पर कस्टमर नहीं आता, तो इस स्ट्रेस को कैसे दूर कर रही? सर अपनी सबसे फर्स्ट स्टेप पे देखो, कोई भी हम शॉप खोलते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए सर। ठीक, सबसे बड़ा स्टेप है सर एडवर्टाइजमेंट। आज के टाइम में कोई भी काम करने से पहले अगर हम एक महीना पहले भी हम अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं तो सर हमें 30% का तो एडवर्टाइजमेंट से ही हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। आज के टाइम में सर एडवर्टाइजमेंट इतना इतना तकड़ा बिजनेस है इस चीज का कि मतलब एड ही एक ऐसी चीज है जो हमें दूर दूर तक बंदों को हमारा नाम दिखाने के लिए उनके आगे चली जाती है। ठीक, मतलब कि कौन सी एड बेस्ट रहेगी फोटोकॉपी के लिए? सर एडवर्टाइजमेंट जैसे हम पेपर बुकलेट बनाते हैं उसके ऊपर ही अपना शॉप का पेज पेस्ट कर दो। ठीक, और सर जैसे हमने बुक किया उसके अंदर विजिटिंग कार्ड वगैरह स्टेपल कर दो या अपनी दुकान की मोर लगा दो। ठीक ठीक ठीक, ये सर मतलब ये पक्की एडवर्टाइजमेंट है, ये साथ में ही जाएगी उसके। ठीक ठीक ठीक, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।